Amphibian embryology cleavage, first the contents, holoblastic cleavage, radial cleavage, and plan of cell divisions. So First, uh, students, think, uh, how the cleavage process starts in the amphibians. So, normally, the egg, when it is fertilized by the sperm, this sperm also initiates the egg to start the cell division process. तो आमतौर पर जब एग जो है उसको स्पर्म आकर फर्टिलाइजेशन करेगा तो उसके साथ वो स्पर्म जो है एग की एक्टिवेशन भी करता है जिसकी वजह से जो एग है वो सेल डिवीजन को स्टार्ट कर देता है आगे फिर डिवेल्पमेंटल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है अच्छा जा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में जो उसमें सिंपली जो एक नीडल से अगर हम एग को प्रिक कर देते हैं तो एग की प्रिक करने से भी क्या होगा कि डिवेलपमेंटल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो इट मीन्स कि अगर एग को स्पर्म या कोई और स्टिमुलस नीडल वगैरह से अगर इसको एक्टिवेट किया जाए तो सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है अच्छा जो सेल डिवीजन है इनिशियल सेल डिवीजन को ही एक्चुअली हम क्लीवेज कहते हैं क्लीवेज की डेफिनेशन भी यही है कि इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन ये सेल डिवीजन का प्रोसेस है जिसमें जाइगोड जो है या फर्टिलाइज एक्ट जो इट फॉर्म्स तो फार्म नंबर ऑफ सेल्स एक बॉल ऑफ सेल्स जो है से बन जाता है जिसको हम जब बाद में अगली स्टेज है वो मोरूला स्टेज का नाम देते हैं इफ वी लुक एट दी पैटर्न ऑफ द क्लीविज इन एम्फीबियंस एम्फीबियंस हैव मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग एम्फीबियन कह के आगे पास मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग है दे आर एक्चुअली द मिजोलैसीथलैगस हैं जिसकी वजह से जब क्लीविज का पैटर्न आएगा सेल डवीन होगी तो दाइगोट विल बी कम्प्लीटली डिवाइडेड इंटू टू सेल जाइगोट कंप्लीटली दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है तो दिस पैटर्न ऑफ क्लीविज इज कॉल्ड द होलो ब्लास्टिक क्लीविच जिसको होलो ब्लास्टिक क्लीविज कहेंगे आमतौर पर ये क्लीवेज जो होती है या सेल डिविंग का प्रोसेस जो है वो एनिमल पोल से स्टार्ट होकर वेजिटल पोल की तरफ आता है सो so, योग की अमाउंट की वजह से जो वेजिटल पोल की तरफ क्लीवेज है वो थोड़ी स्लो जरूर होगी बट अगेन द सेल विल बी डिवाइडेड इंटू टू पोर्शन सेल जो है कम्पलीट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इन क्लीवेज क्लीवेज के दौरान जो नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे तो आमतौर पर सेल्स जो होते हैं वो दे आर फॉर्म इन द टायर्स टायर्स मीन रोर्स की फकर में एक सेल का सर्कल है उसके ऊपर दूसरा सेल का सर्कल है तो जो क्लीवेज है इट मे बी स्पायरल इट मे बी रेडियल क्लीवेज तो जो एम्फीबियंस या बाकी कॉर्डेट्स हैं बल्कि ड्यूटैरोस्टोम्स जिसको हम कहते हैं इसमें अकाइन भी आ जाएंगे तो ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर जो क्लीवेज का पैटर्न है इट इज एक्चुअली द रेडियल क्लीवेज तो एम्फीबियन जो कि ड्यूटेरोस्टोम से कर बिलोंग करते हैं तो इनके अंदर भी जो है वो रेडियल क्लीवेज होगी रेडियल क्लीवेज की खास जो उसकी पहचान ये होती है कि अगर इफ देर इज अ लोअर टायर ऑफ़ सेल तो इसके ऊपर जो सेल का टायर बनेगा वो एक्जैक्टली इसके ऊपर होता है इस तरह से यानी एक सेल इसके बिल्कुल ऊपर दूसरा सेल होगा एक सेल इसके बिल्कुल ऊपर दूसरा सेल मौजूद होगा तो इस तरह से लोअर टायर और अपर टायर के सेल एक दूसरे के बिल्कुल एक ही लाइन में क्या होंगे अरेंज होंगे तो इस टाइप ऑफ क्लीवेज को हम क्या कहेंगे इट इज़ एक्चुअली द रेडियल क्लीवेज है अच्छा रेडियल क्लीवेज किसको ना आमतौर पर इनडिटर्मिनेट भी बोला जाता है डिटर्मिट का मतलब है कि आप शुरू में प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि कौन से सेल्स कौन सा स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं ओके नाउ वी सी हाउ द क्लीवेज प्रोसेस स्टार्ट्स। क्लीवेज पैटर्न तो हमने देख लिया कि होलोब्लास्टिक होगा और इसके अलावा रेडियल क्लीवेज होगी स्टार्ट कहां से होगा सबसे पहले जो फर्स्ट क्लीवेज है फर्स्ट सेल डिवीजन है उसमें द क्लीवेज प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम द एनिमल पोर्ट एंड इफ इट मूव स्टे डाउनवर्ड और ये बिल्कुल नीचे की तरफ आएगा यानी कि एनिमल पोल से क्लीवेज स्टार्ट होगी और ये वेजिटेबल पोल की तरफ मूव करेगी ये फर्स्ट क्लीवेज विल बी वर्टिकल वर्टिकल कह सकते हैं यानी कि टॉप से शुरू होगी और उसकी एनिमल पोल से वेजिटेबल पोल की तरफ जो है वो आएगी ये सेकेंड क्लीविज जो है वो फर्स्ट क्लीविज के बिल्कुल राइट एंगल पर होगी यानी अगर ये एक इस तरफ से है दूसरी भी वर्टिकल होगी लेकिन पहली वाली के राइट यानी कि राइट एंगल के ऊपर होगी ये वैसे जैसे हम प्लस का निशान लगाते हैं कि एक क्लीवेज यूं आ रही है तो दूसरी बिल्कुल उसके ऊपर जो है इस तरह से आ रही है जी बिल्कुल तो ये दोनों फर्स्ट क्लीवेज जो होंगे दे आर एक्चुअली द वर्टिकल क्लीवेज दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम एनिमल पोल एंड मूविंग टूवर्ड द वेजिटल पोल थर्ड क्लीवेज इज एक्चुअली द हॉरिजेंटल क्लीवेज थर्ड क्लीवेज जो होगी वो हॉरिजेंटल होगी और एनिमल और वेजिटेबल पोल के दरमियान से आमतौर पर ये पास करती है तो इस तरह से थर्ड क्लीवेज हॉरिजेंटल होगी ये एनिमल पोल के सेल्स को अलग और वेजिटल पोल के पोर्शन को अलग कर देगी तो एनिमल पोल वाले सेल्स जो हैं वो बाद की सेल डिवीजन में इनकी सेल डिवीजन ज़्यादा स्पीडी होगी क्योंकि उनके पास योग कम है वेजिटल पोल के सेल्स जो हैं ये बाद में स्लो सेल डिवीजन प्रोसीड करते हैं और इसलिए इनका साइज आमतौर पर लार्जर रहता है चूंकि इसमें योग की अमाउंट ज़्यादा होती है सो फोर्थ क्लेविज अगर हम बात करेंगे तो फोर्थ क्लेविज जो है इट इज़ अगेन फ्राम जो ये लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन में होगी या वर्टिकल डायरेक्शन हम इसको कह सकते हैं ये भी टॉप टू बॉटम होगी और हर सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी इस इससे फर्स्ट क्लीवेज से टू सेल्स बनेंगे जब सेकेंड क्लीवेज होगी तो इट विल फॉर्म फोर सेल्स थर्ड क्लीवेज में एट सेल्स बनेंगे फोर ऊपर वाले टायर में होंगे फोर लोअर टायर में अब जो फोर्थ क्लीवेज है वो हर सेल को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगी तो ऊपर वाले फोर सेल्स जो हैं वो एट सेल्स बना देंगे और नीचे वाले फोर सेल्स भी एट सेल्स बना देंगे तो टोटल हमारे पास सिक्सटीन सेल स्टेज होगी फोर्थ क्लीवेज के बाद फिफ्थ क्लीवेज इज अगेन हॉरिजेंटल और उसके बाद हमारे थर्टी टू सेल स्टेज के बाद वो सेल सेलडबीन जो वो रैपिड हो जातीस में जो जा है वो वो जो स्पेसिफिक पैटर्न है वो नहीं रहेगा क्लीवेज का तो आमतौर तो पर हम थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लीवेज को जो है वो कह सकते हैं कि वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में डिवाइड करेगा सेल यहाँ हमारे डायग्रामेटिकली हम देख सकते हैं कि किस तरह से दिस इज द फर्टिलाइजेक्ट एनिमल पोल आपको ग्रे कलर में नज़र आ रहा है वेजिटल पोल येलो कलर में नजर आ रहा है दोनों के दरमियान में ग्रे ग्रेकिटेशन मौजूद है फर्स्ट क्लीवेज आप देख रहे हैं कि एनिमल पोल से स्टार्ट होकर वेजिटेबल पोल की तरफ आ रही है सेकेंड क्लीवेज पहली क्लीवेज के बिल्कुल राइट एंगल पर आ रही है फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड क्लीवेज है और उसके बाद फर्दर जो है क्लीवेज का पैटर्न जो है वो स्टार्ट हो जाएगा ठीक है एंड पे जो दो डाइग्राम को क्रॉस हैं ये एक्चुअली जो है वो क्लीवेज का हिस्सा नहीं है इसको मैंने क्रॉस कर दिया है